चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, सूचकांक में विभिन्न देशों की स्थिति क्या है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के आधार क्या है, इसके संकेतक क्या है और मानव स्वतंत्रता सूचकांक की अवधारणा क्या कहती है। विषय प्रारंभ करने से पहले आइए देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इस सूचकांक में भारत को 162 देशों में से 94वां स्थान मिला है। कथन दो, सूचकांक में युद्धग्रस्त सीरिया सूची में अंतिम स्थान पर रहा। कथन तीन, सूचकांक में शीर्ष देशों में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग शामिल है। उपरोक्त कथनों में असत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी एक और दो दोनों, विकल्प सी एक और तीन, विकल्प डी दो और तीन। विषय प्रारंभ करने से पहले आइए देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इस सूचकांक में भारत को 162 देशों में से 94वां स्थान मिला है। कथन दो, सूचकांक में युद्धग्रस्त सीरिया सूची में अंतिम स्थान पर रहा। कथन तीन, सूचकांक में शीर्ष देशों में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग शामिल है। उपरोक्त कथनों में असत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी एक और दो दोनों, विकल्प सी एक और तीन, विकल्प डी दो और तीन। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को आप ध्यान से सुने। यह चर्चा में क्यों है? हाल ही में नागरिक आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विश्वव्यापी रैंकिंग मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 को जारी किया गया है। इस सूचकांक में 162 देशों को शामिल किया गया है। इन देशों में सूचकांक में रैंकिंग 76 संकेतकों के आधार पर प्राप्त अंकों के माध्यम से प्रदान की गई है। सूचकांक में विभिन्न देशों की स्थिति क्या है? इसमें शीर्ष देशों में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग शामिल है। सूचकांक में युद्धग्रस्त सीरिया सूची में अंतिम स्थान पर रहा। भारत को 162 देशों में से 111वां स्थान मिला है, जबकि 2019 में भारत सूचकांक में 94वें स्थान पर था। भारत की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में 10 में से 6.30 और आर्थिक स्वतंत्रता में 6.56 का स्कोर है। देश का समग्र मानव स्वतंत्रता स्कोर 6.43 था। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के मुख्य बातें क्या है? मानव स्वतंत्रता सूचकांक अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा कनाडा में प्रकाशित किया गया था। संस्थान के अनुसार 2008 से 2018 तक विश्व स्तर पर आर्थिक स्वतंत्रता में थोड़ी वृद्धि हुई है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता में गिरावट आई है, लेकिन समग्र रूप से 10 वर्षों में सभी संकेतकों में गिरावट आई है। धर्म की स्वतंत्रता की स्थिति सबसे खराब है, वहीं विधि के शासन की स्थिति भी अच्छी नहीं है। यह सूचकांक बताता है कि विश्व में स्वतंत्रता का समान वितरण नहीं है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक की अवधारणा के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। मानव स्वतंत्रता सूचकांक एक व्यापक उपाय के आधार पर दुनिया में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को प्रस्तुत करता है, जिसमें व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता शामिल है। मानव स्वतंत्रता एक सामाजिक अवधारणा है जो व्यक्तियों की गरिमा को पहचानती है और इसे नकारात्मक स्वतंत्रता या जबरदस्ती की कमी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक की अवधारणा के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स एक व्यापक उपाय के आधार पर दुनिया में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को प्रस्तुत करता है, जिसमें व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता शामिल है। मानव स्वतंत्रता
एक सामाजिक अवधारणा है जो व्यक्तियों की गरिमा को पहचानती है और इसे नकारात्मक स्वतंत्रता या जबरदस्ती की कमी के रूप में परिभाषित किया गया है, क्योंकि स्वतंत्रता स्वाभाविक रूप से मूल्यवान है और मानव प्रगति में एक भूमिका निभाती है। यह ध्यान से मापने लायक है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स एक ऐसा संसाधन है जो स्वतंत्रता और अन्य सामाजिक और आर्थिक घटनाओं के बीच संबंधों को अधिक निष्पक्ष रूप से देखने में मदद कर सकता है। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प ए। आज के वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।